अब देखिए सेवाल, तो यहां से आपके तीन वर्ड दिखेंगे, क्या क्या दिखेंगे? सेवाल बोले तो एल्गी, फिर दिखेगा कवक, कवक बोले तो फंगी, और एक दिखेगा लाइकेन, और लाइकेन को लाइकेन ही कहते हैं। सेवाल, कवक, लाइकेन, क्या होता है जी? अलगी, फंगी, लाइकेन, होता क्या है? तो सेवाल की अगर बात करेंगे तो देखो जी, ये देखो कि हर तालाब के किनारे, हर घर के किनारे जहां पानी का जमा होता, स्रोत होता, वहां पर देखोगे काई जम जाता। आप हर हफ्ता 10 दिन में घर के बाथरूम को, फर्श को अच्छे से साफ करते हैं कि नहीं? सर्फ या रगड़ कर, है ना? क्यों? क्योंकि पिछलन हो जाते। क्यों? क्योंकि उसमें सेवाल की उत्पत्ति शुरू होती है, और नाली के पास तो बहुत सारा सेवाल वाल जमा, तो वो मन करता तो सफाई होता है, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना जी? अच्छा, और सेवाल दिखोगे हरा दिखेगा, ये पर्णहरित होता है। पर्णहरित मतलब ये खाना अपना खुद बना लेते हैं। लेकिन कवक की बात करेंगे, फनगी, ये व्हाइट व्हाइट दिखेगा, ये पनहरित नहीं होता है। अरे मशरूम खाए हो जी? मशरूम, अरे वही हुआ मशरूम। मशरूम भी अलग अलग टाइप का होता है। एक देखोगे मशरूम बोले तो गोलका गोलका, जिसको खुटरी बोलते, खुटरी, खुटरी बोलते हैं ना जी, या खुकरी बोलते हैं, है ना? खुकरी, खुटरी, काका बोलते हैं। तो जब बड़ा टेस्टी है, तो अच्छे से कोई बनाए ना तो लगेगा मटन खाए जा रहा, मटन गजब का, यमी। तो नहीं तो उसके बाद देखोगे, लेकिन हाँ वो जो वो चीज है ना, कभी अगर जैसे बुखार है या मलेरिया तलेरिया, उस समय नहीं खाना चाहिए, उसमें बढ़ा देता है। गिरिडीह में एक बार थे तो हमको हो गया था मलेरिया। आखिर गिरिडीह तो मलेरिया जगह ही है, और इतना टेस्टी बना था खुखरी या खुटरी, मस्त एकदम। ये वो खाए ना, बोले बोली कि नहीं खाना, मौसी लोग थे ना, बोले नहीं खाओ, बुखार ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये वो खाते, ये वो खाते, मतलब तो मटन एकदम, तुम क्या बोलते, घास फूस वाला मटन मतलब खाया जाए। और ऐसा हुआ ना कि 6 महीना तक मेरा छोटा नहीं मलेरिया तरीके, नहीं इसको नहीं बोलते जी, इसी को बोलते हैं। अच्छा, तो मतलब कुकुर मुद देता है तो कुकुर मुद्दा हो गया, का सांप का अंडा भी बोलता है। देखा, बोलने का तो भैया आदमी कुछ भी बोल दे, चले कोई बात नहीं, है कि नहीं? मतलब आदमी को जो टेस्ट लगे वो खा ले, चाहे सांप के अंडा हो, चाहे कुकुर मुद्दा हो, का चाहे जो है कि नहीं? वाह, चले कोई बात नहीं। लेकिन याद है कि व्हाइट होता है, ये परिणहरित नहीं होता है, इसमें ये अपना खाना नहीं खुद बनाता है। और अगला देखो लाइकेन, और अभी कवक का बहुत वैरायटी निकल गया है, क्योंकि जैसे देखोगे आदमी लोग हाइब्रिड कैसे है, वैसे यहाँ कवक में भी हाइब्रिड देखने को मिलता है, अजब अजब सा, मतलब टेस्टी टेस्टी। और अगर लाइकेन, लाइकेन बोले तो जिसमें दोनों का गुण, दोनों का लक्षण पाया जाए, उसको क्या कहते हैं? लाइकेन। क्लियर? अब आप देखोगे कि सेवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। सेवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी मतलब आप देखोगे, लॉजी मतलब अध्ययन, अब फाइको मतलब सेवाल का साइंटिफिक नेम है फाइको। आ रही समझ में जी? तो सेवाल का साइंटिफिक नेम, सेवाल का साइंटिफिक नेम, सेवाल का साइंटिफिक नेम, सेवाल का साइंटिफिक नेम फाइको। तो क्या होगा, सेवाल के अध्ययन को क्या कहा गया? फाइकोलॉजी, है ना जी? उसके बाद आप देखोगे आपका था कवक, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? माइकोलॉजी। पता है क्यों? क्योंकि लड़की लोग माइका जाके ही अच्छा अच्छा सब्जी कवक का बनाती है कि नहीं? तो कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी जी, माइकोलॉजी। ससुराल लॉजी नाम नहीं दिखेगा, माइकोलॉजी दिखेगा, है कि नहीं? या इसको माइसेटोलॉजी भी कहते हैं। लेकिन लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? लाइकेनोलॉजी। तो आइए स्पेशली सेवाल पे फोकस करते हैं। सेवाल,
आप देखोगे कि शैवाल कई तरीके से देखने को मिलेंगे। ये देखो हरा दिख रहा है ना जी, कहीं लाल भी दिखेगा, कहीं भूरा भी दिखेगा। लाल शैवाल ज्यादातर समुद्री शैवाल देखने को मिलेगा समुद्र में। सुना आपने लाल सागर का नाम रेड सी, सुना है जी? लाल सागर का नाम लाल सागर क्यों? क्योंकि लाल दिखता है। लाल क्यों? क्योंकि उसके सतह में लाल कलर का शैवाल बड़े पैमाने में पाया जाता है। आ रहा समझ में? तो उसको कहते हैं, उसको कहते हैं फाइको एरोथिन। तो एरोथिन मतलब शैवाल, सॉरी फाइको मतलब शैवाल, एरोथिन बोले तो लाल। तो लाल शैवाल को फाइको एरोथिन। तो अगर फाइको नहीं भी याद करे, सिर्फ एरोथिन बोल के अगर याद करे तो कोई दिक्कत नहीं ना है जी? अरे बोलो ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ जल्दी से, लाल शैवाल, लाल किसको बोले तो एरोथिन, लाल बोले तो एरोथिन। तो लाल शैवाल फाइको एरोथिन। लेकिन अगर भूरा रहे तो बहुत शाइनिंग करता है कि नहीं? भूरा बहुत शाइनिंग करता है ना जी, तो फाइको शाइनिंग। तो लाल एरोथिन, भूरा साइनिन। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी। याद करो, लिख लिख के, बोल बोल के, तो जुनून पैदा करो। याद होना चाहिए तो याद होना चाहिए। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम। और भूरे शैवालों से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। खाते ना आयोडीन नमक। अच्छा, आयोडीन नमक में पाया जाता है कि मिलाया जाता है? हाँ, कभी सुना आयोडीन युक्त हॉर्लिक्स, आयोडीन युक्त च्यवनप्राश, कभी सुने जी? उसमें किया जा सकता है कि नहीं? अरे किया जा सकता है कि नहीं? लेकिन नमक में है, क्यों मिलाते? क्यों? क्योंकि वो सस्ते में उपलब्ध होता है और वो सब जन जन तक, आप बताओ, सब जरूरी है कि सब हॉर्लिक्स पिए डेली, च्यवनप्राश खाए? वो तो रोटी नसीब नहीं होता है भैया। तो च्यवनप्राश और हॉर्लिक्स कहाँ से खाए? तो नमक ऐसा है जो गरीब से गरीब, अमीर से अमीर लोगों को उपलब्ध है ना। कभी नमक का खेती देखो, नमक का खेती नहीं देखो जी? खेती होता है ना जी? हाँ, खेती होता है ना जी? अरे खेती होता है कि नहीं पूछ रहे? हाँ या ना, तो बोल रहे समुद्र में। तो जी हाँ, आप देखोगे, मान लो ये तट का किनारा है, जैसे मान लो जैसे ये भारत के किनारे, मान लीजिए जैसे हम गोवा में थे ना, तो उस समय वहां पर खेती देखते थे। खेती में क्या करता था पता है? तट के किनारे जो है ना, या पानी का जो पानी है उसका, तो ये खेत में इस तरह से बांट दिया जाता था और पानी वहां जमा कर दिया जाता था। पानी सूखा, ये वेपराइजेशन हो गया, नमक जम गया, तो व्हाइट व्हाइट एकदम चल। फिर यार फिर लाके दे दिया, उसका देखा इतना मोटा मोटा परत नमक का ही हो गया। उसका उसका साफ सफाई, बहुत सारा प्रक्रिया जो होता है वो करते, तो खेती है ना भाजी? हाँ, खेती हुआ कि नहीं? ठीक है, तो बताइए, जो आयोडीन प्राप्त किया जाता है, ये आयोडीन जो प्राप्त किया जाता है, ये किस कलर के, ये से किया जाता है बताओ जी? किस कलर के शैवाल से किया जाता है? भूरा। क्या है? भूरा। इसको कहते हैं लेमिनेरिया। इसको क्या कहते हैं? लेमिनेरिया। इसको क्या कहते हैं? लेमिनेरिया। इसको क्या कहते हैं? लेमिनेरिया। क्या कहते हैं? लेमिनेरिया। ठीक है, नेक्स्ट। जापान के लोग भूरे शैवाल का प्रयोग सलाद के रूप में करते हैं। देखो जी, तो भूरा शैवाल बोले तो आयोडीन, भूरा शैवाल बोले तो आयोडीन, भूरा शैवाल बोले तो सलाद। अरे घर के बाहर नाली के पास हम लोग बहुत सारा शैवाल दिखता है ना जी, उसको निकाल के सलाद बना के वह खाओ तो देखो कैसा लगेगा तब, है ना? सलाद में आप क्या डालते हो? प्याज, खीरा, बीट। एक बार वही नाली का एकदम निकालना है, पीस पीस करके एकदम, इसके बाद ऊपर से धनिया पत्ता के साथ एकदम मिला के देते हैं, मस्त एकदम। लेकिन ये बात देखिएगे तो ना तब ना जी, उसके बाद ना उल्टी हो जाएगा। जापान हमारे भारत से ज्यादा डेवलप है कि नहीं जी? सोच लीजिए, जापान ऐसा जगह जहाँ हमेशा भूकंप आता है, हमेशा सुनामी वाला सिचुएशन देखने को मिलता है, हमेशा ज्वालामुखी के जैसे आभास प्रतीत होते हैं,
हमारा भारत में बेटा एक बार गलती से भूकंप ज्वालामुखी हो जाता उसका असर बेटा कितना दिन तक रहता, सोच लीजिए। और कर रहे हो मतलब कुछ खास बात तो होगा तभी ना जी, सोच लीजिए। लेकिन हाँ, तो वहां के सलाद में खास बात है और हमारे भारत में भी है सर, लेकिन अब नलिया वाला ने नहीं सोच ली। लेकिन एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखे ना, बेका करके देख लेना, सोचो ना क्या। हाँ ठीक है, उसमें सोचो कितने तरह के तत्व पाए जाते होंगे, कितने तरह के तत्व, वो तत्व जब शरीर में आएंगे तो सोचो कितने विटामिन की पूर्ति होंगी, कितने चीज की पूर्ति होंगी, सोचो ठीक है। उसके बाद अगला देखो अलवा, हलवा ने जी अलवा, अलवा ही समुद्री सलाद इसको कहते, क्या कहते समुद्री सलाद, क्या कहते जी समुद्री सलाद। देखो दिखा जी, लाल सेवाल दिख रहा है तो लाल सेवाल को फाइकोरोथीन, भूरा सेवाल दिखा जी क्या है भूरा को फाइकोसाइनिन, क्लियर। अब आप देखोगे ये बीबीआई करो इसको जी, हाइड्रा के अंदर पाए जाने वाला सेवाल को जू क्लोरेला कहते हैं, क्या कहते हैं जी जू क्लोरेला, और बर्फ पर उगने वाले सेवाल को कहते हैं क्रिप्टोफाइटस, क्या कहते हैं क्रिप्टोफाइटस। तो फाइटस मतलब सेवाल और क्रिप्टो मतलब बर्फ, क्या जी चट्टान पर उगने वाले, बता चट्टान पर उगता है कि नहीं सेवाल जी, देखो फिसलन फिसलन हो जाएगा चट्टान पर भी पत्थर उत्थर पे भी। तो फाइटस मतलब सेवाल और लिथो मतलब चट्टान। कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं बर्फ का साइंटिफिक नेम तो क्रिप्टोफाइटस, चट्टान का साइंटिफिक नेम तो लिथोफाइटस, क्लियर। और सबसे ज्यादा बीबीबीबीआई अंतरिक्ष यात्री जब भी जाते हैं तो भोजन और पानी ऑक्सीजन के लिए मुख्यतः क्या ले जाते हैं, तो कोलोरेला। कोलोरेला क्या होता है, तो यह एक तरह का सेवाल एल्गी होता है, जैसे हम लोग इक्वेरियम में रखते हैं ना इसको जी मछली को, तो उस तरह से जब लोग रॉकेट में जाते हैं अंतरिक्ष यात्री लोग जाते हैं तो इस तरह के वहां उसमें क्या पानी में वो कोलोरेला डाल के रखते हैं। मतलब सोचो सबसे अच्छा हमको ऑक्सीजन की पूर्ति किससे होती है, पेड़ पौधों से, पेड़ पौधों में बरगद पीपल ये सबसे होती है कि नहीं। अब अंतरिक्ष यात्री पीपल या बरगद काट के ले जाएगा, पॉसिबल है जी, है ना पॉसिबल है, सोच ले। लेकिन ये कोलोरेला जो है उस, मान लीजिए अंदर अंतरिक्ष जो है क्या बोलते हैं वो रॉकेट का जहाज के अंदर का वातावरण यहाँ पर रख दिया गया एक्वेरियम, तो उससे क्या होता आदान प्रदान हो रहा है, मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं तो कोलोरेला को कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, वो ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं तो हम लोगों को ऑक्सीजन मिल गया, तो दोनों का लेन देन हो गया कि नहीं हो गया। तो क्वेश्चन कि अंतरिक्ष यात्री अपने साथ भोजन पानी ऑक्सीजन के लिए क्या ले जाते हैं, कोलोरेला ले जाते हैं। और नेक्स्ट मैक्रोसिस्टस, आपको एक नाम सुनने को मिलेगा एग्जाम में, तो मैक्रोसिस्टस क्या है, सबसे बड़ा सवाल, इसलिए इसको दैत्याकारी समुद्री घास भी कहते हैं। यहाँ पर जब भी लोग इस एरिया से गुजरते हैं ना तो देखो जहाज नहीं पार कर पाता है, क्यों, क्योंकि जहाज के जो नीचे के जो पंखे या पहिए रहते हैं ना उस सवाल में इतना फंस जाता है कि अब बाकी सब लोगों को फिर उतर कर उसको काट कर छाट के अलग करना पड़ता है, काट कर छाट कर अलग करना पड़ता है। अच्छा उसके बाद देखो कि बहुत सारा सुनने को मिलता है ना कि अरे वो छठ घाट में या वो तालाब में है वो डेली हर साल एगो आदमी मर जाता है, सुने कि नहीं सुने, हर साल एगो वो तालाब वो नदी कुआं में आदमी लोग मर जाता है, भूत है चुड़ैल है डाइन है कि नहीं, बड़का बड़का आंख वाली डाइन चुड़ैल है, तो बताइए तो सही में ऐसा होता है कि नहीं जी, अरे बोलो ना जी होता है कि नहीं, अरे बोलो ना जी होता है कि नहीं, नहीं अतेली पार है उधर शमशान घाट वहां तो और ज्यादा होता है, वहां से एक से एक चुड़ैल डायन बड़ा बड़ा आंख वाली देखने को मिलती है रे। तो आप देखोगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो पता क्या होता है मिली रीजन क्या होता, आजकल को ना हम लोग हर चीज को खिलवाड़ बना लेते हैं, कोई साफ तालाब में जल्दी आदमी नहीं देखोगे मर रहा, लेकिन कोई तालाब जल्दी साफ होता नहीं है और पार करोगे इस पार से उस पार, उसमें भी तो बहुत सारे सेवाल बहुत सारे लत्तर वाले पौधे हो जाते हैं।
आप मान कर लो कि जैसे ज्यादातर तो लोग बच्चे लोग क्या करते हैं, अरे चलो कौन पार करके दिखाएगा तालाब को, और पार कर रहा उस दौरान में कोई लत्तर अगर पैर में फंसा, वो लत्तर पैर में फंसा छुटाने गया तो दूसरों फंस गया हाथ में गया, तो आप सोचो एस्टिमेट तो आपका तो ऐसे टूटा हुआ सांस वाला, और धीरे धीरे पता चला कि आप छटपटा के दलदल था घुस गए और खोज रहा आप तो मर गए, और खोज रहा 2 दिन तक मिला नहीं, और 2 दिन के बाद जब दलदल से जब आपका सर फूल गया तो वो ऊपर तैरते हुए नजर आया, कभी देखते हो कि नहीं देखते हो, है ना। तो लगता है अरे बेटा भूतुआ जो है ना अपना घर डाइनुआ जो है ना चुरिलुआ वो अपना घर ले जाकर ले उसको मारा होगा, 2 दिन बाद उसको छोड़ दिया। तो आ रहा समझ में क्या कहना चाह रहा है। तो ये सब बहुत सारे अंधविश्वास वाली कहानियाँ होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर कोई तो यहाँ आप सोचो वो सब रीजन क्या होता है, तालाबों को भी तो साफ सुथरे की जरूरत है। तो यहाँ दैत्याकार समुद्री घास मैक्रोसिस्टस और सबसे छोटा जो है एसीटा बुलेरिया सबसे छोटा शैवाल एसीटा बुलेरिया। पानी में सड़न पैदा करने के कारण मछली मर जाती है, इसलिए कहा जाता है साला एक मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है कि नहीं। अगला नाइट्रिलम कारा, इससे मलेरिया नामक दवा बनाया जाता है जी। मलेरिया नामक दवा किससे, नाइट्रिला और कारा। तो इसको ऐसे याद रखिए, जब किसी को मलेरिया होती है ना तो बहुत कमजोरी होता है, शरीर काला हो जाता, काला हो जाता, कारा बोले तो काला, तो उसको नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है कि नहीं। तो मलेरिया का जो दवा बनता किससे बनता, कवक से कि लाइकेन से, सेवाल से। अरे सेवाल ना पढ़ा रहे जी, ठीक है वही एलगी, इंग्लिश एलगी हिंदी सेवाल। तो उसको वो कौन एलगी है, कौन सेवाल है, तो नाइट्रेला एवं कारा। अब एक सेवाल का नाम है अगर 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 अगर, और ये लाल रंग का होता है, इसे आइसक्रीम बनाने में यूज किया जाता है। क्या बनाने में, आइसक्रीम बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट, स्कॉटलैंड में एक सेवाल है रोडोमेरिया पॉलमेटा, और इस सेवाल से एलगी से तंबाकू बनाया जाता, खैनिया जी खैनिया, सोच लो। तो बता रोडोमेरिया क्या है, तंबाकू, रोडोमेरिया कहा है तंबाकू। तो ये रोडोमेरिया सेवाल है कि कवक है, सेवाल है, इससे क्या बनाया जाता है, तंबाकू। ये कहाँ पाया जाता है, स्कॉटलैंड। इसको याद भी करना आसान है, क्यों, क्योंकि जो जो तंबाकू खाते रहेगा वो एक दिन रोड में ही मर जाएगा कि नहीं, एक दिन में रोड में मर जाएगा कि नहीं, अरे बोलो जी रोड में मर जाएगा कि नहीं, तो रोड मोरिया, रोडो मेरिया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग कवक पे फोकस करने का काम करेंगे।